ये देखिए, ये है लेमन ग्रास, यानी कि जरा कुछ इसकी पत्तियां देखिए आप अच्छे से, ताकि आप कहीं पे भी पहचान जाए। ये एक चौड़ी घास की तरह है, और ये अगर इसको अच्छा वातावरण मिले, अच्छा इसको सॉइल मिले, अच्छी इसको न्यूट्रिशन मिले, तो ये देखिए ये कितना बड़े बड़े पत्तियां निकले हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये जनरली छाया में उगता है, और जितना आप इसको छाया में रखेंगे, देखिए मैंने इस दीवार के पीछे रखा हुआ है ताकि ये अच्छे से उग सके। और एक बात जो आपको मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि ये जो इस तरीके की सूखी सूखी पत्तियां हो गई है ना, ये वाली, ये भी बेकार नहीं है। इसको आप इस तरीके से तोड़ के, मसल के, सूंघ के देखिए, इतनी बढ़िया इसमें से खुशबू आती है लेमन ग्रास की कि आप दंग रह जाएंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इन सूखी हुई पत्तियों में से भी। तो इस तरीके से जो पत्तियां सूख जाती हैं, आप उनको एक डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि आप उन्हें बाद में यूज करें। देखिए जैसे मेरे गमले में ये बहुत सारी पत्तियां हैं जो सूख रही है, जिन्हें मैं एकदम से इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, तो इन्हें छोटा छोटा करके एक एयर टाइट डब्बे में आप रख सकते हैं। बाकी ये रही जो बड़ी पत्तियां, आप इन्हें रोज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके क्या फायदे हैं और आप इसे किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। आप जानते ही है कि लेमन में होता है विटामिन सी, जो कि हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। उसी तरीके से लेमन ग्रास भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। इसे आप रोज चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी में डाल सकते हैं। ग्रीन टी आप कैसे बना सकते हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आप इसको ग्रीन टी में डाल करके रोज अपने में, डेली डाइट में आप इसको इस्तेमाल करिए और इसके फायदे उठाइए, और निरोगी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।